हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्वास्तिक एजुकेशन कैंपस। वी आर गोइंग टू स्टैंडर्ड 1 जनरल इंग्लिश। आज मैं आपको जनरल इंग्लिश बुक से पढ़ाने वाली हूँ, तो आप देखिए कि आप जो कौन सी बुक में आपको आंसर सारे फिल करने हैं। ओके, तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 का पार्ट 2। चैप्टर 4 के पार्ट 1 में भी हमने दिस इसका यूज़ किया था, कैसे करना है ये मैंने आपको सिखाया था। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि चैप्टर 3 में हमें किसका यूज़ करना है। दिस इज का, दिस इज अ सा, दिस इज एन ईयरिंग, दिस इज अ लम, दिस इज अ नेक टाई। पहले तो आपको पढ़ना सीखना है। आज आप अभी फर्स्ट क्लास में हो तो कैसे पढ़ना है आपको, टी एच आई एस दिस, आई एस इज, ए एस ए डब्ल्यू सा, इस तरीके से। इसका मतलब क्या होता है, आरी जो लकड़ी काटने की होती है। फिर आपको पढ़ना है टी एच आई एस दीस, आई एस ईज, ए एन एन, ई ए आर डबल आर आई एन जी, ईयर रिंग, इस तरीके से आपको पढ़ना है। टी एच आई एस दीस, आई एस ईज, ए एल ए एम बी लम, लम मिस शिप का जो बच्चा होता है ना, बेबी। टी एच आई एस दीस, आई एस ईज, ए एन ई सी के टी आई ई, नेक टाई। नेक टाई मतलब जो गले में हम टाई पहनते हैं वो। तो ऐसे आपको पहले सेंटेंस को, छोटे छोटे सेंटेंस को डिवाइडेशन करके पढ़ना सीखना होगा कि हम किसको ए बोलते हैं, किसको द बोलते हैं, कहाँ दिस बोलते हैं, कहाँ दैट बोलते हैं लोग बोलते हैं। तो छोटे छोटे लेटर से आपको स्टडी करना चालू करना है। चलिए देखते हैं, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द सेंटेंस। पहली बात, जब आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको मैं कौन सा सेंटेंस कहाँ पर पढ़ रही हूँ इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना होगा। फिर आपको क्या होगा कि वो वर्ड पढ़ना आ जाएगा। जैसे मैंने इसको पढ़ा, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द सेंटेंस, तो ये ऐसा आपको भी पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन 1। टी एच ई द एम ए एन मैन एस ए वाई से, मैन क्या कह रहा है यहाँ पर, तो देखिए ये क्या पकड़ा है हाथ में, नेक टाई, गले में टाई। तो वो पूछ रही है क्या है ना, तो हमको क्या बोलना, आंसर देना है दिस इज ए नेक टाई, उसके गले में क्या है, टाई है। तो ऊपर जो अभी मैंने क्वेश्चंस के आंसर पढ़े थे उसको ही यहाँ पर आपको फिल करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। टी एच ई द सी ए आर पी ई एन टी ई आर, कारपेंटर एस ए वाई एस ए, तो कारपेंटर क्या पूछ रहा है, ये क्या है करके दिखा के पूछ रहे हैं द कारपेंटर से, कारपेंटर क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बोलना है टी एच आई एस दिस, आई एस इज, ए सा, यह क्या है, आर ई है ना। टी एच ई द जी आई आर एल गर्ल एस ए वाई एस से, द गर्ल से, गर्ल क्या कह रही है, तो वो किसकी तरफ इशारा कर रही है, अपनी इयर रिंग की तरफ। तो टी एच ई द, टी एच आई एस दिस, आई एस इज, ए एन एन, ई ए डबल आर आई एन जी, इयर रिंग। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर सभी जगह ए लगाए, यहाँ एन क्यों लगाए, क्योंकि इयर रिंग की स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर क्या है, वोवेल है। और आपको सिखाया गया है कि जिसका फर्स्ट लेटर वोवेल हो वहाँ पर क्या लगता है, ए की जगह एन लगता है। ओके, टी एच ई द एस एच ई पी एच ई आर डी सेपरेट से, तो वो क्या कह रही है, ये क्या है बता रहे हैं ना, जो भेड़िया चरवाहा जो रहता है तो वो क्या कह रहा है। तो टी एच आई एस दिस, आई एस इज, ए लम, ये क्या है, लम है, शिप का बेबी है ना। चलिए अब देखते हैं, से एंड राइट दिस वर्ड, आपको क्या करना है, बोलना है और लिखना है। तो क्या लिखना है, एम डबल ओ एन मून, एन डबल ओ एन नून, एफ डबल ओ डी फूड, एच डबल ओ एफ ऊफ, आर डबल ओ एफ रूफ,
COOL pool, POOL pool, FOOL pool, STOOL stool, SCHOOL school। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले आपको ये वर्कबुक कंप्लीट करना है, फिर ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसको आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए पेज नंबर आपके यहाँ पर 11 में दीज के साथ हम दैट का यूज, फिर वो कंबाइंड हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। तो देखिए दैट इज यूज टू पॉइंट आउट अ डिस्टेंस थिंग और पर्सन, मतलब दैट का यूज जब किसी पर्सन से किसी चीज का डिस्टेंस ज्यादा होता है तब किया जाता है। दैट इज यूज बिफोर सिंगुलर, और दैट का यूज सिंगुलर पर्सन के पहले किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है THAT दैट IS इज AMONKY मंकी, वह क्या है, एक मंकी है। अगर कोई भी चीज, जैसे ये पेंसिल अभी मेरे हाथ में है तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज अ पेंसिल। अगर मैं इसको कहीं दूर फेंक देती हूँ तो वहाँ से क्या बोलूँगी, डिस्टेंस हो जाएगा मेरे और पेंसिल के बीच, तब मैं क्या बोलूँगी, दैट इज अ पेंसिल, है ना। THAT दैट IS इज AFN फैन, दैट इज अ फैन। जब हमारे घर पे पंखा जो लगा रहता है वो हमारे से काफ़ी दूरी पर लगा होता है ना, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज अ फैन। THAT दैट IS इज अ BOAT बोट, दैट इज अ बोट। THAT दैट IS इज AMANGO मैंगो TREE ट्री, दैट इज अ मैंगो ट्री, यह क्या है, एक आम का पेड़ है ना। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द सेंटेंस, फिर से आपको वैसे ही सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखिए मदर से, माँ क्या कह रही है, दैट इज अ फैन, पंखे की तरफ दिखा के वो कह रही है वह क्या है, पंखा है। द फार्मर से, किसान क्या कह रहा है, यहाँ पर कौन सा पेड़ दिखाई दे रहा है, तो दैट इज अ मैंगो ट्री, किसान को यहाँ पर कौन सा ट्री दिखाई दे रहा है, मैंगो ट्री, तो वो क्या है, किसान से काफी दूरी पर है, इसलिए यहाँ पर क्या सेंटेंस लगा है, दैट, क्या लगा है, दैट इज। द चाइल्ड से, बच्चा क्या कह रहे है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मंकी की तरफ, है ना, तो द चाइल्ड से मंकी की तरफ इशारा करके क्या कह रहे है, दैट इज अ मंकी। फिर देखिए यहाँ पर द बॉय से, ये जो लड़का है किसकी तरफ इशारा कर रहा है, बोट, और बोट और बच्चे के जो लड़का खड़ा है उसके दोनों के बीच क्या है, काफ़ी डिस्टेंस है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, दैट इज अ बोट। अगर बिल्कुल पास में खड़ा होता तब वो क्या बोलता, दिस इज अ बोट। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई चीज़ हमारे पास में है तो हमको उसको दिस इज अ बोलना है, और कोई चीज़ हमारे से डिस्टेंस में ज़्यादा दूर है तो दैट इज अ का यूज करना है। ओके, चलिए देखते हैं, से एंड राइट दिस वर्ड, GOAT गोट, BOAT बोट, COAT कोट, HOUSE हाउस, MOUSE माउस, BLOUSE ग्लव, AIR एयर, HAIR हेयर, PAIR पेयर, FAIR पेयर, CHAIR चेयर। तो आपको ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं इसको ओनली फॉर ओनली वर्कबुक में लिखना है, और ये जो क्वेश्चन हैं दोनों पेज के, दिस और दैट के यूज़, ये आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, तो यहाँ पर आपका चैप्टर 4 का पार्ट 2 कंप्लीट होता है, आपको भी आपकी वर्कबुक और नोटबुक दोनों ही कंप्लीट करनी है। थैंक यू।